सकता है? बिल्कुल, आज मैं जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है ITDC इंडिया लिमिटेड, और ये स्टॉक लगभग 131 रुपए आज क्लोज हुआ, 10% ऊपर है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में ये कंपनी है और 1978 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ओवरऑल अगर फंडामेंटल पॉइंट्स पे यहाँ पर देखें तो Q3 में जो कंसोलिडेटेड सेल्स रही है इनकी वो 640 करोड़ थी, जो कि लास्ट Q2 के कंपैरिजन में लगभग 3.5% ज्यादा थी, लेकिन अगर लास्ट ईयर Q3 के कंपैरिजन करें तो लगभग 22% थी। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इसने दिखाया है और Q3 का प्रॉफिट जो था वो 34 करोड़ था, नेट प्रॉफिट जो इनका बचा था आफ्टर टैक्स के बाद में, और लास्ट ईयर की Q3 से अगर देखें तो लगभग 121% अप रहा है। और शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है, प्रमोटर के पास 47% का स्टॉक है और बाकी NBFC या फिर अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के पास भी लगभग 30% का स्टॉक है, FIIs की होल्डिंग यहां पर अच्छी है, तो मुझे लगता है कि अप साइड में कम से कम 30-35% यहां से मोमेंटम देखने को मिलेगा और 160 तक का टारगेट बहुत जल्द अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो रवि साहब का जो वैल्यू पिक है वो ITD सीमेंटेशन यहाँ पर आपके लिए ले। कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है और यह देखिए जो कंपनी है इंडिया बेस्ड कंपनी इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कुल मिला के यह जो है रोड निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग का काम देखती है। वर्तमान में 135 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, इसका 52 वीक हाई और लो जो है 177 और 96 है। और देखिए मित्र, बुक वैल्यू इसका 35 है, PE जो है 19 चल रहा है, डिविडेंड यील्ड 0.27% इसका। देखिए सबसे मित्रों बढ़िया है जो ROC देखिए 24% चल रहा है और ROE जो है वो चल रहा है मित्रों 15%। ROC और ROE को डबल डिजिट में होना काफ़ी अच्छा है, बहुत सुखदायक होता है इतना रिटर्न होना। और सेल्स ग्रोथ देखिए 6% के दर से बढ़ रहा है, फेस वैल्यू इसका 1 है। और देखिए मित्रों इसका चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या कहता है कि ये अप ट्रेंड में है कि शॉर्ट टर्म में। साल भर का देखिए चार्ट, तो साल भर का चार्ट ये स्पष्ट बता रहा है कि अभी भी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो इसको कई यहाँ से ये धीरे धीरे करके वो अपर हाई और अपर लोअर हाई और अपर हाई जो लगातार जो ऊँचे ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं तकनीकी फंडामेंटल रूप से, देखिए तकनीकी रूप से देखिए ये जो है ये जो इनको ऐसे बन रहा सीढ़ियाँ बननी शुरू हो गई है, ये अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में स्टॉक में तेजी हो सकती है। सर देखिए 3 साल का देखिए मित्रों, तो 3 साल में देखिए तो लगभग जैसे था वैसे ही है, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है। 5 साल का देखिए मित्रों, तो 5 साल का चार्ट अब देखेंगे तो इसमें अप ट्रेंड बता रहा है, इसका मतलब ये है कि शेयर ये अप ट्रेंड में है, शेयर में कोई खराबी नहीं, शेयर लिया जा सकता अप ट्रेंड में है। और मित्रों हम देखना चाहते हैं तो इसमें देख लीजिए, देखिए इस पीयर्स की जो इस सेक्टर की और कंपनियां आप देख लीजिए तो NCC नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्राटेक ये UP बेस्ड कंपनी है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन बेसिकली हैदराबाद आंध्र प्रदेश बेस्ट कंपनी है, लेकिन बहुत NCC में जो राकेश झुनझुनवाला है वैल्यू इन्वेस्टर उनका अच्छा खासा स्टेक है। अगला देखिए KNR कंस्ट्रक्शन है मित्रों, इसमें KNR कंस्ट्रक्शन सबसे आकर्षक है, मैं KNR कंस्ट्रक्शन को खुद मेरे पर्सनली पोर्टफोलियो में है और बहुत अच्छा शेयर है। अगला देखिए महिंद्रा लाइफ स्पेस है, HG इंफ्रा है, सिम्प्लेक्स इंफ्रा है और ITD सीमेंटेशन। PE के हिसाब से देखिए तो सबसे सस्ता इसमें पटेल इंजीनियरिंग दिख रहा है, लेकिन पटेल इंजीनियरिंग की और भी चीज़ें कई चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दिख रही हैं। तो KNR कंस्ट्रक्शन है और सिम्प्लेक्स इंफ्रा है, खैर मेरा फोकस तो KNR कंस्ट्रक्शन रहता है। आइए अब देखते हैं, देखिए इसका मित्रों सेल्स जो है देखिए हर साल ये बढ़ ही रहा है, 49683, 523, 489, 473, 575, 655। देखा जाए तो मित्रों इसकी जो असली तेजी है वो शुरू में रही है, फिर धीरे धीरे करके स्थिर हो गया है। एक्सपेंसेस देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है मित्रों, तो उसी तरह से है। देखिए अब 3 सालों का आप देख लीजिए, जैसे कि दिसंबर 17 में देखिए 79 है,
मार्च 18 में 61 हो गया, अगला देखिए तो जून 18 में 82 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 85 हो गया। तो ये जो है एक तरह से देखा जाए तो स्टेबल है। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो 11 13 14 9 13 13 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है, 13% अच्छा माना जाता है। और आप देखिए इसका सेल्स वगैरह कई चीज़ें इसमें देखिए, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 सालों में 8.4.3 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये देखिए, सेल्स शेयर कैपिटल देखिए, शेयर कैपिटल इसका बढ़ रहा है, रिजर्व देखिए, रिजर्व भी बढ़ रहा है, ये अच्छा चीज़ है। बोरोइंग देखिए तो लगातार ये पिछले देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो कम ही हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। अदर लाइबिलिटीज देखिए तो बढ़ रहा है मित्रों, टोटल लाइबिलिटी देखिए तो लगभग ये स्टेबल होके फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा बढ़ा है। फिक्स्ड एसेट कई चीज़ें हैं इसमें, कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो मार्जिन, ये देखिए रेशियो आरओसी देखिए मित्रों अच्छा चल रहा है। डेप्टर डेज इन्वेंटरी टर्नओवर 15.38 चल रहा है, अच्छा माना जा रहा है। तो कुल मिला के अच्छा है और शेयर तो लिया जा सकता है, लेकिन मैं इस पर इसके ऊपर केएनआर कंस्ट्रक्शन को प्रीफर करूँगा। केएनआर कंस्ट्रक्शन अच्छा स्टॉक है, और वैसे तो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में सबसे अच्छा स्टॉक एलएनटी होगा मित्रों। एलएनटी एक मल्टीबैगर बहुत पहले का स्टॉक है, और एलएनटी एक ऐसा शेयर है, एक ऐसी कंपनी है जो हर किसी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एलएनटी हो गया, एशियन पेंट हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टाइटन हो गया, ये सब ऐसे शेयर्स हैं, डीमार्ट हो गया, ये सब ऐसी कंपनियां हैं मित्रों कि पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। तो यदि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न चाहते हैं, स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, तो उसके लिए एलएनटी सबसे बढ़िया होगा। एलएनटी को एक बार एलएनटी को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल एलएनटी ऐसी कंपनी है जिसको न देखे उसको विश्वास करना सही रहेगा। बहुत अच्छा शेयर है एलएनटी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एलएनटी के अंदर मित्रों सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलता है, उसके अंदर कैपिटल गुड, उसके अंदर सिक्योरिटी। अभी अभी हाल ही में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि होवित्जर जो टैंक रहा, जिसको आर्मी ने आर्मी को सुपुर्द किया गया था, होवित्जर टैंक को मोदी जी ने प्रेजेंट किया था उस टैंक को, आपने देखा होगा। तो वो जो टैंक रहा, उस टैंक को बनाने वाला एलएनटी रहा। एलएनटी की इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं और दुनिया के कई कोनों में, मध्य पूर्व में कई कोनों में फैला हुआ है एलएनटी का बिजनेस। तो कंस्ट्रक्शन यदि सेक्टर में कोई कंपनी चूज करनी चाहिए तो वो एलएनटी लार्सन एंड ट्रूबो। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है, वो लार्ज कैप कंपनी है। यदि हम आईटीडी सीमेंटेशन के एन आर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा यदि ग्रोथ आएगी तो तेज वृद्धि होगी थोड़ा, लेकिन रिस्क उसके साथ लगा रहेगा। और एलएनटी की स्थिति है कि वो स्टेबल ग्रोथ मिलेगा, हर साल आपको 20-22% का ग्रोथ दे देगा, लेकिन ग्रोथ देगा तो ग्रोथ देगा, गिरेगा भी तो कम गिरेगा, और ये सब गिरेंगे तो कितना गिरेगा क्या बताया जाए। फिलहाल देखिए जैसे कि आपने इसको देखा, सिर्फ मैं एलएनटी का चार्ट देखिए, इसका ये जो चार्ट है ये 5 साल का चार्ट देख रहे हैं। देखिए मित्रों ये 5 साल का चार्ट जो है ये ऊपर जा कर के फिर नीचे चला है, यहीं पर आप एलएनटी का चार्ट देखिए 5 साल का, तो क्लियर कट आपको पता लगेगा कि हमें कौन सी कंपनी लेनी चाहिए। लार्सन एंड ट्रूबो देखिए, लार्सन एंड ट्रूबो आ गया। अब देखिए इसका मार्केट कैप मित्रों 1,88,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एलएनटी का मार्केट कैप आप देख रहे हैं 1,88,000 करोड़ है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी तुलना में आईटीडी सीमेंटेशन की तुलना में करंट मार्केट प्राइस 1,347 रुपया, 52 वीक हाई लोग देखिए तो 52 वीक हाई जो है 1,459 रुपया है, 52 वीक लो 1,183 रुपया है, बुक वैल्यू 401 रुपया, स्टॉक पी 22 है। देखिए उसका 19 था और स्टॉक इसका पी जो है 22 है। तो मित्रों इतनी बड़ी कंपनी और 22 पी पे मिल रहा है, बहुत अच्छा है। जो आईटीडी सीमेंटेशन की जो स्थिति है उसका पी मित्रों 10 के आसपास होना चाहिए,
जिस तरह का वो स्मॉल कैप है, उतने में 20 पी के आसपास और 2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए उतना वो पी महंगा है। आर ओ सी 14 का लगभग है, आर ओ ई 16% है इसका। देखिए मित्रों, देखिए इसका सेल्स ग्रोथ देखिए, 3 साल में 9% उसका 6% था, तो कितना बढ़िया है। सबसे बड़ी चीज़ इसका चार्ट देखना बहुत जरूरी है, 5 साल का। ये देखिए मित्रों, इसका चार्ट देखिए बिल्कुल, यहाँ से आप देखिए तो बिल्कुल ये 2015 के बाद से बिल्कुल ये वो दिख रहा है, अप ट्रेंड वाला चार्ट है। तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि एल एन टी को नहीं लेना चाहिए, बल्कि आई टी डी सेमेंटेशन को ना लेकर के एल एन टी को प्रीफर करना चाहिए। और एल एन टी को हम प्रीफर करते हैं तो मित्रों, कई सारे सेक्टर जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखिए ये क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, पावर, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और भी कई सेगमेंट में काम करता है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और एक तरह से देखा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का बहुत बड़ा जो लाभार्थी है वो एल एन टी होता है। तो मित्रों, डन फॉर एल एन टी।